नमस्कार मित्रों, आज के जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खास है। हर व्यक्ति चाहता है धनवान बनना, लेकिन हर व्यक्ति सफल नहीं हो पाते। इसमें कुछ ही कुछ लोग सफल हो पाते। मित्रों, ये कलिकाल है, यानी कि ये कलयुग है। अगर आपके पास में धन है तो व्यक्ति आपकी इज्जत करेंगे। आप कितना भी गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन ही व्यक्ति क्यों ना हो, धार्मिक व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास में धन नहीं है तो धन के अभाव में व्यक्ति आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो मित्रों, धन होने पर हम जो धर्म भी करते हैं और किसी भी हम धार्मिक अनुष्ठान करें तो उसमें हमें पैसे की ही जरूरत पड़ती है। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताऊंगा, जितना ज्यादा ये शब्द बोलोगे उतना ज्यादा आपके जीवन में धन आएगा। धन प्राप्ति करने का वैसे अनेक साधन है, तीन प्रकार के आज के वीडियो में साधन बताऊंगा। जो साधन अच्छा लगे, जो विधि अच्छा लगे, वह विधि जरूर करना। और हर दिन की तरह गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल में इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी दर्शकों को सिखाई जाती है। पहला प्रयोग बता रहा हूं मित्रों, जो कि अदृश्य शक्ति आपके मदद करेंगे। ये दिन आपको किसी भी अमावस्या के दिन करना है या फिर जो पूर्णिमा है इस दिन पर ये उपाय करना है। चौराहे पर जाना है, किसी भी जगह के चौराहे पर जा सकते हैं। आपको एक कपूर लेना है और ये आपको देसी कपूर लेना है। मित्रों, ये देसी कपूर आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाएंगे। तो चौराहे पे जाना है, एक कपूर लेना है, उसके ऊपर में दो लौंग डाल देना है, दो फूल वाला लौंग आपको डाल देना है और डाल करके जला देना है। नित्य 11 दिनों तक ये उपाय करना है, अमावस्या से लेकर के नित्य 11 दिनों तक या फिर पूर्णिमा के बाद से लेकर के नित्य 11 दिनों तक ये उपाय करना है। किसी भी चौराहे पर जा करके बस आपको जलाना है। तो एक अदृश्य शक्ति आपकी मदद करेंगे, आपकी कुंडली में धन योग बनाएंगे, आपको स्वप्न के माध्यम से धन प्रदान करेंगे। बस इच्छा यही करना है कि मैं इस कार्य के लिए ये जला रहा हूँ। कार्य में जैसे धन बोल सकते हैं, नौकरी प्राप्ति बोल सकते हैं, जो भी कार्य, ये टोटके इतना ज़्यादा प्रभावी है, कभी भी ये विफल नहीं जाता। दूसरा प्रयोग एक ऐसा, मैं आप लोगों को गुप्त मंत्र बता रहा हूँ, साबर मंत्र है, क्योंकि साबर मंत्र की महिमा का बखान स्वयं भगवान शंकर जी करते हैं। भगवान शंकर ने अधिकतर सभी मंत्रों को कलयुग में किलित कर रखा है, लेकिन साबर मंत्र को किलित नहीं किया है। तो साबर मंत्र कुछ इस प्रकार से हैं, जो कि थोड़ी से जब से आपको प्रभाव देगा। ये मंत्र जितना ज़्यादा जप होंगे उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में धन आएगा। तो ये मंत्र कुछ इस प्रकार से, धन धन मेरा धन, लक्ष्मी दे मेरा धन, न दे तो विष्णु की आन, बाबा शिव की वाचा, 9984 सिद्धन की दुहाई। मित्रों, ये साबर मंत्र हैं, साबर मंत्र का प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। हमने स्क्रीन में से लिख करके भी रख दिए, देख लीजिए आप, इसे किसी पेन कॉपी में नोट करके रख लें और आप इसे जितना ज़्यादा जपेंगे जीवन में उतना ही ज़्यादा आपको तरक्की मिलेंगे, धन की प्राप्ति होंगे। भोज पत्र या फिर सादे कागज लेकर के 108 टुकड़े कर लेना और फिर श्री लिख करके नदी की जो धारा है, दो धारा जहाँ पे आपस में मिलते हैं वहाँ पे भी बहाने से आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। जितना ज़्यादा लिख करके आप ये शब्द बहाएंगे श्री लिख करके कोरे कागज में या भोज पत्र में, उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि श्री लक्ष्मी का बीज मंत्र ये सिद्ध हो जाने के बाद हमें अधिक से अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। ना चाहते हुए भी लक्ष्मी को धन देना पड़ता है। हमने तीन उपाय बताए, जो उपाय अच्छा लगे वह जरूर करना। तो ये थे आज के छोटी सी जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।